ध्यान से देखें और सुन ले यूपी के अपराधी। गैंगस्टर विकास दुबे के जाने के बाद भी बरस रहा कानून का डंडा। एक्शन मोड में डीएम नेहा और एसपी स्वप्निल ममगई। 10 करोड़ 25 लाख से ज्यादा की संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस कर्मियों को शहीद करने वाले दुर्गांत अपराधी विकास दुबे तो याद है ना आपको, जिसको 10 जुलाई 2020 को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। वही विकास दुबे जो बोलता था मैं विकास दुबे कानपुर वाला, याद है ना आपको, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। अब कानपुर देहात के एसपी समझा रहे हैं, मैं स्वप्निल ममगई एसपी कानपुर देहात वाला यूपी के नए सिंगम से आगे आपको मिलवाएंगे। मगर उससे पहले इस खबर को अपराधी और अपराधी बनने की सोच रहे शातिर खुरापात दिमाग वालों को जरूर देख लेना चाहिए कि कैसे यूपी में पुलिस अपराधियों को ही नहीं बल्कि अपराध की जड़ को खत्म करने के लिए बेताब है। तभी तो कानपुर देहात से ऐसी खबर सामने आई जिसे आपको जरूर देख लेना चाहिए कि कैसे डीएम नेहा जैन और एसपी स्वप्निल ममगई खुद अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए बेताब दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में सीएम योगी ने अपराध को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर अपराध और अपराधी को खत्म करना है तो सबसे पहले उसकी काली कमाई पर हथौड़ा चलाओ, ताकि आर्थिक चोट से उसके मंसूबों पर भी चोट लगेगी। तभी तो डीएम नेहा और कानपुर के एसपी स्वप्निल ममगई खुद मोर्चा संभाल चुके हैं। वो गैंगस्टर विकास दुबे के आर्थिक साम्राज्य पर कहर बनकर बरप रहे हैं। कैसे तो अब वो देखिए कि कैसे विकास दुबे ने अवैध धन से जो संपत्ति अर्जित की उस पर हथौड़े चल रहे हैं। शिवानी क्षेत्र में बनाई गई लगभग 10 करोड़ 25 लाख 88 हजार 910 रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया है। इतना ही नहीं, विकास दुबे की बहन चंद्रकांति उर्फ चंद्रकांता उर्फ चंद्रप्रभा की शिवानी क्षेत्र में बनी लगभग 80 लाख 25 हजार रुपए की अवैध संपत्ति सील कर दी गई। वहीं दुर्गांत अपराधी विकास दुबे के जीजा पर भी कार्रवाई हुई। जीजा का नाम है दिनेश कुमार तिवारी। शिवाली क्षेत्र में लगभग 7,65,000 रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क कर दिया गया, यानी कुल मिलाकर 11,13,78,910 रुपए की अवैध संपत्ति डीएम नेहा और पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगई ने कुर्क कर दी। एक बार फिर आपको बता दें कि राजस्व टीम के साथ डीएम नेहा और पुलिस अधीक्षक स्वप्निल ममगई की विकास दुबे पर अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। वैसे भी वो रात कौन भूल सकता है जब कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस कर्मियों को विकास दुबे और उसके गुर्गों ने शहीद किया था। मगर 10 जुलाई 2020 को एसटीएफ ने विकास दुबे को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। मगर आज भी उसके अवैध साम्राज्य का यूपी पुलिस हिसाब किताब बराबर कर रही है। चर्चाएं तो ये भी हैं कि बकायदा डीएम नेहा और एसपी स्वप्निल ममगई ने जल्द ही विकास दुबे के करीबियों की लिस्ट तैयार कर रखी है, जिन पर अवैध तरीके से धन अर्जित करके संपत्ति बनाने के आरोप हैं, जिस पर योगी बाबा का बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।